सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला कि आप उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स क्रिएट करने होंगे। तो पैसा, कैपिटल दो तरीके से मेनली आती है। एक होता है आपका इक्विटी, मतलब ओनर्स या इन्वेस्टर्स जो पैसा डालते हैं। दूसरा होता है आपका डेट, मतलब कि लोन, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यही दो मेन तरीके होते हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं, प्रॉफिट आना शुरू होता है, आपके बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट आएगा, राइट? फिर उस प्रॉफिट को आप रिटर्न्स कैसे देंगे, आप सबसे पहले क्या लोन भरेंगे, फिर टैक्स की पेमेंट कब होगी गवर्नमेंट को, फिर प्रेफर्ड इक्विटी होती है, कॉमन इक्विटी होती है। तो इन शेयर होल्डर्स के बीच में, सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में ये पैसा डिवाइड कैसे होता है, इसकी प्रायोरिटी कैसे होती है, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। साथ में मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, हम एक रियल बैलेंस शीट भी देख लेंगे किसी एक कंपनी की। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो जब भी आप कोई बैलेंस शीट देखेंगे किसी भी कंपनी की, तो एक साइड में आपको एसेट्स मिलेंगे उसके अंदर, और दूसरी साइड में इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड करके जो टोटल आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम बैलेंस शीट को बैलेंस मानते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, लेट से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है लेट से 1 करोड़ रुपए है। अब आपके पास पूरे 1 करोड़ रुपए तो है नहीं, लेट से आपके पास 20 लाख रुपए कैश पड़े हैं, तो आप 20 लाख रुपए सेल्फ फंड कर देते हैं और बाकी का जो 80 लाख रुपए है वो लोन ले लेते हैं। तो ये जो 80 लाख का आपने लोन लिया, ये हो गई आपकी लायबिलिटीज, और ये जो आपने सेल्फ फंड किया, ये बेसिकली हो गई आपकी इक्विटी। तो ये इक्विटी फंड से पैसा आ गया। तो इक्विटी फंड कहां से आता है, या तो ओनर से आता है या किसी इन्वेस्टर से आता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे जब बिजनेस केस देखेंगे। अब हम पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी उसको कंट्रोल करती है, जो आपको फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देंगे तो आप लॉन्ग टर्म में इससे रेंट कमा सकते हैं, तो फ्यूचर कैश फ्लो मिल रहे हैं आपको और आप इस एसेट को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, भले ही आपके पास 100% ओनरशिप नहीं है, क्योंकि आपने 80% तो लोन लिया है तो बैंक का भी एक क्लेम है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोन उतारते जाते हैं तो वो आपके पास ओनरशिप भी पूरी की पूरी आप ही के पास आ जाती है। अब दूसरा होता है आपकी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है, आपकी ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी की। तो ऑब्लिगेशंस क्या है, अब मान लीजिए ये आपने 80 लाख का लोन लिया है तो आपकी ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन है, ये आपको पे बैक करना होगा। तो इसी तरीके की लोन के अलावा भी आपकी ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, हो सकता है आपने किसी से कुछ उधार लिया हो कंपनी के अंदर, वो आपको पे ऑफ करना होगा। इसी तरीके से लायबिलिटीज अलग अलग तरीके की होती हैं। अब लास्टली बात आती है इक्विटी की। तो इक्विटी को कई बार लोगों के लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसेट्स तो आप फिजिकली देख सकते हैं कि क्या एसेट्स हैं, लायबिलिटीज भी आपको पता ही है कि मैंने कितना लोन लिया है, तो इक्विटी में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इक्विटी क्या है, ये आपकी रेजिडुअल ओनरशिप है, जब आप अपनी लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं एसेट्स में से तो वो आपकी इक्विटी बचती है। तो जब भी आप इक्विटी सुनेंगे, आप एक चीज याद रखिए कि वो आपकी ओनरशिप है। तो इक्विटी इज इक्वल टू ओनरशिप, आप बस ये याद रखिए। तो यहां पे आपकी 1 करोड़ के मकान में 20 लाख की ओनरशिप है, दैट मींस 20% की इक्विटी है, यानी कि 20% की ओनरशिप है आपके पास, क्योंकि बाकी का जो 80% है वो तो बैंक का क्लेम है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इस लोन को पे करेंगे तो आपकी ओनरशिप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली अगर हमें ये इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गए आपके 100 लाख के एसेट्स और इज इक्वल टू इक्विटी, हमने कितना कहा 20 लाख की हमारी इक्विटी हो गई, लायबिलिटीज हमारी 80 लाख की हो गई। तो अगर हमें उल्टा भी लिख सकते हैं, हम इक्विटी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, तो हम 100 लाख माइनस
अगर 80 लाख कर देते हैं तो हमारी इक्विटी निकल के आ जाती है, वो है 20 लाख, या फिर 20% हमारी ओनरशिप हो गई। अब इक्विटी को हम नेटवर्थ भी कहते हैं, तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेटवर्थ भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उसमें से आप अपनी टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। आप अपनी इंडिविजुअल नेटवर्थ भी निकाल सकते हैं, आप एक कंपनी की नेटवर्थ भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो इक्विटी आप सुने, नेटवर्थ सुने, नेट एसेट सुने, सब एक ही बात है। अगर मैं आपकी मान लीजिए इंडिविजुअल की बात करूं, लेट से आपके पास 1 करोड़ की तो ये प्रॉपर्टी है, और लेट से आपके पास 2 करोड़ की एक और प्रॉपर्टी है, और उस वो आपके पास लेट से 100% पेड है, उसके अंदर आपने पूरा का पूरा लोन चुका रखा है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी हुई? आपकी 2 करोड़ की यहां से नेटवर्थ निकल के आई, प्लस 20 लाख की आपकी यहां से इक्विटी निकल के आई, तो 20 लाख और ऐड कर देंगे आप, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी 1 और ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी 2। तो आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी हुई? 2 करोड़ प्लस 20 लाख, यानी कि 2.2 करोड़। तो इस तरीके से आप अपनी इंडिविजुअल की टोटल नेटवर्थ भी निकाल सकते हैं और किसी कंपनी की भी टोटल नेटवर्थ निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे दिया। अब हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, और लेट से इसमें आपको जो टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 1 करोड़ रुपए की चाहिए। आपको लैंड और बिल्डिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, मतलब रेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा आपको, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, फिर कुछ सैलरीज के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, आप मशीन्स रखेंगे, मशीन्स खरीदेंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, तो इन सब के लिए लेट से आपको 1 करोड़ रुपया इनिशियली चाहिए। अब देखिए, इसको फंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो हो गया आपके पास इक्विटी फंड। अब ये इक्विटी फंड कहां से आता है? या तो ओनर्स ये पैसा डालते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा डालते हैं। दूसरा, या तो आप लोन ले सकते हैं, तो लाइबिलिटीज कितने तरीके की हो सकती हैं? एक तो लेंडर से आप पैसा ले सकते हैं, यानी कि बैंक्स हो गए या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। दूसरा, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आप जैसे जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो आप उधार पे ले सकते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो पैसा लेकिन आपको वापस करना होगा, तो वो भी आपकी लायबिलिटी बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, हम इसके अंदर इक्विटी निकालने की कोशिश करेंगे अपनी। तो मान लीजिए आपने ये एसेट्स 100 लाख के एसेट्स खरीदे, और लेट से आपके 80 लाख की लायबिलिटी बन गई, 80 लाख का आपने लोन ले लिया ये 100 लाख के एसेट्स खरीदने के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं ईयर 0 की। अब हर साल ये पोजीशन चेंज हो सकती है, तो इस साल ईयर 0 में जब आपने ये पैसा लगाया इनिशियली, तो आपकी इक्विटी का कितना पैसा आया? 20 लाख। तो आपने 1 करोड़ के एसेट्स खरीदे, जो 80 लाख के तो आपने लोन ले लिए, और 20 लाख आपने ओनर्स ने या इन्वेस्टर्स ने डाल दिया। अब लेट से ईयर 1, 1 साल के बाद, अब ये रेस्टोरेंट आपको 10 लाख का प्रॉफिट कमा के देता है, तो अब आप कहते हैं कि मैं सबसे पहले तो अपना लोन उतारूंगा। तो आप क्या करते हैं, यहां पे अपना 10 लाख का लोन उतार देते हैं। ये 80 लाख में से 10 लाख गया, तो आपका 70 लाख का लोन बच जाता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपके एसेट्स एज इट इज 100 लाख हैं, और आपकी अब इक्विटी कितनी हो गई? 100 माइनस 70, 30 लाख हो गई। तो बेसिकली आपने ये जब 10 लाख का लोन उतारा, तो वो आपकी इक्विटी बढ़ गई, आपकी ओनरशिप बढ़ गई। अब आपकी ओनरशिप यहां पे 30% हो गई। मान लेते हैं उसके अगले साल आपका 30 लाख का प्रॉफिट आता है, तो अब आप इसमें से 70 लाख में से 30 लाख और पे कर देते हैं, आपकी 40 लाख की लायबिलिटी रह जाती है। 100 लाख में से आप 40 घटाते हैं, अब आपकी 60 लाख की ओनरशिप हो गई ईयर 2 के बाद। और थर्ड ईयर के अंदर लेट से आपको पूरा 40 लाख का प्रॉफिट आता है, और ये पूरी की पूरी लोन जो है आपने ये पूरा क्लियर कर दिया आपने, तो ये हो गया 0, एसेट्स आपके 100 लाख, इक्विटी कितनी हो गई आपकी? 100 लाख। तो आपकी 100% ओनरशिप हो गई यहाँ पे। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं, एक साल का, और 50 लाख का प्रॉफिट आता है लेट से उसके अगले साल, तो अब क्या होगा? अब लाइबिलिटीज तो आपकी 0 है, अब ये जो 50 लाख है सीधा सीधा आपका एसेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैश भी तो एक एसेट है, तो ये कैश की फॉर्म में इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपकी इक्विटी भी बढ़ती जा रही है, एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप जितना भी पैसा कमाते जाएंगे, आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे और इक्विटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी हो गई है 0। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं बिजनेस के लिए ही। तो देखिए, ये होती है हमारी बेसिकली बेसिक इक्वेशन। अब मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के होते हैं। इक्विटी भी मल्टीपल तरीके की होती है, लायबिलिटी भी मल्टीपल तरीके की होती है। तो अगर मैं ब्रॉडली आपसे बात करूं, तो एसेट्स होते हैं हमारे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स।
अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, वो होते हैं आपके करंट एसेट। नॉन करंट एसेट होते हैं जिनको आप कैश के अंदर एक साल के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ फिक्स्ड एसेट हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, आप उसको इमीडिएटली बेच नहीं सकते, तो वो हो गए आपके नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन्वेंट्री होती है बिजनेस के अंदर, तो रॉ मटेरियल होता है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होती है, वेयरहाउस के अंदर फिनिश गुड्स पड़े होते हैं, ये सारे होते हैं आपके करंट एसेट जिनको आप बेच के कैश इमीडिएटली एक साल के अंदर ले सकते हैं। नॉन करंट एसेट का मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है एग्जाम्पल, जैसे लैंड प्लस बिल्डिंग हो गई, राइट, आपकी बेसिकली मशीन्स हो गई, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन करंट एसेट्स के। अब टाइप्स ऑफ एसेट्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटी भी सिमिलरली आपकी करंट और नॉन करंट होती हैं। तो जो लाइबिलिटीज, जो भी लोन्स और लाइबिलिटीज आपको एक साल के अंदर देनी है, वो हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज, और जो एक साल के बाद की लाइबिलिटी बनती है वो आपकी हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, करंट लाइबिलिटीज आप कितने तरीके की होती हैं, तो आप मेरा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी कितने तरीके की होती है, तो ब्रॉडली दो तरीके की इक्विटी होती है, एक होती है कॉमन इक्विटी, एक होती है प्रेफर्ड इक्विटी। प्रेफर्ड इक्विटी कौन सी होती है? मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स या फैमिली, उनसे आपने कुछ पैसा लिया और उनको कहा कि भाई मैं खुद रिटर्न्स लूं या ना लूं, पहले मैं तुमको रिटर्न दूंगा, इसीलिए उसको हम प्रेफर्ड इक्विटी कहते हैं। या फिर ये आपके कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं जिनको आप कुछ प्रेफर्ड स्टॉक दे देते हैं इनिशियली, और आप कहते हैं कि भाई मैं रिटर्न्स बाद में लूंगा, मैं रिटर्न्स पहले आपको दूंगा, इसीलिए हम उसका नाम भी प्रेफर्ड इक्विटी रखते हैं। दूसरी होती है कॉमन इक्विटी, मतलब जिनको रिटर्न्स सबसे लास्ट में मिलेंगे वो होती है आपकी कॉमन इक्विटी। अब कॉमन इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है? एक होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आप इनिशियल कैपिटल से जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जब आप कमाते जाते हैं हर साल इनकम स्टेटमेंट में से प्रॉफिट मिलेगा आपको, राइट, तो आप जितना भी ऑपरेशन से पैसा कमाएंगे उसमें से टैक्स जब भर देंगे तो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस बचते हैं, वो आपके कॉमन इक्विटी के अंदर ऐड होते जाते हैं। अब इन रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम कई बार रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, तो अगर आपको ये टर्म कहीं पर कई बार सुनने को मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात हो रही है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली यूएसए के अंदर ज्यादा यूज होती है, तो अगर आप इस तरीके के कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कहीं पे मैगजीन में पढ़ रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का आप मतलब समझ लीजिए कि वो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। तो अब इस बेसिकली इक्वेशन को हम एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने एसेट्स को करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स लिख दिया, इक्विटी को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल यहां से ले लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां से ले लिया, तो ये दोनों हो गई हमारी कॉमन इक्विटी। फिर हमने प्रेफर्ड इक्विटी ऐड कर दी उसके अंदर, उसके बाद लाइबिलिटीज में हमने करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐड कर दी। अब देखिए ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, ये इक्वेशन कई बार यूज होगी, बहुत सारे रेशोज में भी मैं इसको यूज करूंगा, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि पेमेंट्स की प्रायोरिटी या रिटर्न्स की प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये हमने दोबारा से लिख ली, ये एसेट्स इक्वल टू हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रेफर्ड इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज हो गई, ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स की। तो जब कंपनी चल रही है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट्स भी कमाएगी, तो प्रॉफिट में से सबसे पहले पैसा किसको जाएगा? सबसे पहले पैसा जाता है लेंडर्स को, सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है। सेकंड नंबर पे कहां जाता है पैसा? टैक्स जाता है गवर्नमेंट को सेकंड नंबर पे। ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार से मार्क कर देता हूं, ये हमारी हर रेशो के अंदर यूज होने वाली है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तीसरी ऑप्शन क्या होती है, तीसरा प्रेफरेंस क्या होती है हमारी? अब इक्विटी की बात आ गई सीधा, देखिए यहां पे हमने सबसे पहले तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी हमने, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे टैक्स पे किया, थर्ड नंबर पे हमने कहा कि हम प्रेफर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देंगे, तो या तो डिविडेंड्स की फॉर्म में दे सकते हैं या उन्होंने जो भी रिटर्न्स प्रॉमिस करे हैं आपने, आप प्रेफर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहां पे रिटर्न्स देंगे थर्ड नंबर पे। चौथे नंबर पे जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं और कॉमन इक्विटी को रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये रिजर्व्स और सरप्लस जो है ये बेसिकली आपके डिविडेंड्स की तरह भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर इसको रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में पैसा री इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी, अपने ही बिजनेस के अंदर एक्सपैंड कर सकती है।
तो बेसिकली आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, आपको उस तरीके से रिटर्न्स मिल जाएंगे अगर आप एक कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो। चलिए इसका हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक इनकम स्टेटमेंट है, तो अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इस इनकम स्टेटमेंट में, हम सीधा यहां पे आते हैं ऑपरेशंस प्रॉफिट की बात करते हैं। हम ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है आपका ये ईबीआईटी, तो ये सारे आपके रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके अंदर से आपने मार्केटिंग सेल्स और ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस निकाल दिया तो आपका एबिटडा आ गया, फिर आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन निकाल दिया तो आपका ईबीआईटी आ गया। अब एबिटडा और ईबीआईटी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वाला देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। तो ईबीआईटी हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जितना भी ऑपरेशन से आपको प्रॉफिट आया बेसिकली कंपनी में, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 20 लाख का लेट से इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट से इस कंपनी ने 20 लाख कुछ लोन लिया है जिसका टोटल इंटरेस्ट एक साल का 20 लाख जाता है, तो आपका बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया 60 लाख। फिर आप सेकंड नंबर पे टैक्स देते हैं तो ये गवर्नमेंट को 18 लाख का टैक्स चला गया, आपके पास बचा नेट प्रॉफिट। अब लेट से 42 लाख में से आप कुछ पैसा तो प्रेफर्ड इक्विटी में देते हैं और कुछ पैसा आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज जाएं तो बैंक को आपने पहले नंबर पे दिया 20 लाख रुपए, सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट को मिल गया 18 लाख रुपए। अब ये जो 42 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा, लेट से आपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स बांट दिए 12 लाख रुपए के, बाकी का जो फोर्थ नंबर पे जो बाकी का पैसा बचा वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये 30 लाख आपके कॉमन इक्विटी के लिए शेयर होल्डर्स में बट जाएंगे, या तो एज डिविडेंड्स कंपनी बांट सकती है इसको, या फिर उसको रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म्स में अपने पास रख सकती है और उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर। चलिए अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। तो आप यहां पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आप सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनेंशियल्स में आ जाइए तो आपको ये बैलेंस शीट मिल जाएगी। हम ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये देखिए आपको पिछले 5 साल की बैलेंस शीट मिल जाती है यहाँ पे, तो 2014, 15, 16, 17, 18 की ये बैलेंस शीट मिल रही है। आप अपनी एनुअल ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कंपनी एनुअली किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स मिल गए हैं, तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स क्या है, ये आपकी इक्विटी है, तो टोटल इक्विटी है ये आपकी बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखिए शेयर कैपिटल मिल गई, ये इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपके प्रॉफिट्स निकल के आए तो उसको बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल दिया है कंपनी ने, तो ये करीब 3,08,297 करोड़ हैं, राइट। तो अब देखिए इनकी टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कितने आ जाते हैं, 3,14,632 करोड़ रुपए। तो ये हो गई आपकी टोटल इक्विटी यहाँ पे। उसके बाद हमें लाइबिलिटीज निकालनी है अपनी, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखी गई हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये अलग अलग हेड्स दिए गए हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,12,231 करोड़। उसके बाद आपकी आ जाती हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज ये आपकी इतनी आ गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम ये टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐड कर देंगे और टोटल करंट लाइबिलिटीज ऐड कर देंगे, तो ये हमको यहाँ पे फिगर निकल के आ जाएगी टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो ये टोटल आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे 6,17,525 रुपये। तो अब ये हम एक बार एसेट्स भी देख लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, चलिए नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास एसेट्स में भी देखिए नॉन करंट एसेट्स लिखे गए हैं, नॉन करंट एसेट्स में आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। तो ये टोटल मिला के आपके देखिए अब ये फिक्स्ड एसेट्स कितने आ गए, 3,47,740 करोड़ रुपए आ गए आपके ये फिक्स्ड एसेट्स आ गए। उसके बाद टोटल नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर आप ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स ऐड कर देंगे तो टोटल नॉन करंट एसेट्स आपके ये निकल के आ गए। करंट एसेट्स इसके अंदर आप ऐड कर देंगे, ये देखिए ये सारे करंट एसेट्स दिए गए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, तो ये टोटल करंट एसेट्स आपके 1,23,000 आ गए। उसके बाद आपका टोटल एसेट्स कितने हैं, 6,17,525।
अब हमने देखा था कि हमारी जो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज थी, मतलब टोटल इक्विटी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज थी, वो भी एग्जैक्टली 6,17,525 रुपए थी। तो ये देखिए दोनों चीजें मैच हो गई हैं, तो बैलेंस शीट बैलेंस हो गई है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये जो जितने भी हमारे एसेट्स हैं ये कैसे फंड हो रहे हैं, इक्विटी और लाइबिलिटीज से फंड हो रहे हैं। तो ये टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज भी हमारी 6,17,525 करोड़ ही हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे सारी रेशोज देखेंगे कि हमें कौन सी रेशो से क्या समझ में आता है और उसके इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, तो आप आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।